हेलो चिल्ड्रेंस, माय नेम इज़ मोनालिशा फ्रॉम उडवाइन मॉडर्न स्कूल दरभंगा। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू क्लास UKG सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों आप अपनी हिंदी की बुक और पेंसिल निकाल लीजिए, पेज नंबर 45 निकाल लीजिएगा, चैप्टर 15। आज हम पढ़ेंगे दुर्गू की मात्रा। ओके स्टूडेंट्स, मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग मेरे साथ इसे पढ़िएगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। फ जोर दुर्गु जोर ल बराबर फूल। फ में दुर्गु कार, फू ल फूल। च जोर दीर्घी जोर क जोर दुर्गु बराबर चीकू। च में दीर्घी कार ची, क में दुर्गु कार कु चीकू। द जोर दुर्गु जोर ध बराबर दूध। द में दुर्गु कार दू, ध दूध। स जोर दुर्गु जोर र जोर ज बराबर सूरज। स में दुर्गु कार सू, र ज सूरज। भ जोर आकार जोर ल जोर दुर्गु बराबर भालू। भ में आकार भा, ल में दुर्गु कार लू भालू। ज जोर दुर्गु जोर त जोर आकार बराबर जूता। ज में दुर्गु कार जू, त आकार ता जूता। इसे भी पढ़ा रही हूँ स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे साथ पढ़िएगा। त र ब में दुर्गु कार बू ज तरबुज। ख में दुर्गु कार खू न खून। न में आकार ना, ख में दुर्गु कार खू न नाखून। च में दुर्गु कार चू, न में आकार ना चूना। ध में दुर्गु कार धू ल धूल। प में आकार पा ल, त में दुर्गु कार तू पालतू। क ब में दुर्गु कार बू, त र कबूतर। क में दुर्गु कार कू, द न में आकार ना कूदना। च में दुर्गु कार चू, र न चूरन। ख र ब में दुर्गु कार बू, ज में आकार जा खरबूजा। मैं फिर से पढ़ा रही हूँ स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे साथ फिर पढ़िएगा। ओके, फूल चीकू दूध सूरज भालू जूता तरबूज खून नाखून चूना धूल पालतू कबूतर
कूदना, चूरन, खरबूजा, आई होप स्टूडेंट्स आप लोग मेरे साथ इसे पढ़े होंगे, अपने घर पे भी आप लोग इसे पढ़िएगा, ओके। पेज नंबर 46 निकालिए। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 46 निकाल लिए होंगे। मैं बुक भरवाती हूँ, आप लोग देखिए मैं कैसे भरती हूँ, ओके स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है, चित्र के अनुसार शब्दों में मात्रा लगाइए। यहाँ बच्चों चित्र दिए हुए हैं, उनके नीचे नाम है उनके, उसमें मात्रा लगाना है, दुर्गू की मात्रा लगाना है, ओके स्टूडेंट्स। तो चलिए इसे बनाते हैं। बच्चों ये किसी की चित्र है, तरबूज, यहाँ लिखा क्या है, तरबज, तरबज, हम लोग को लिखना क्या है, तरबूज, दुर्गू की मात्रा लगाना है, तो चलिए लगाते हैं। त र ब में दुर्गू कार, बू ज, तरबूज, ये किसी की चित्र है बच्चों, चीकू, च में दुर्गी कार, ची, क में दुर्गू कार, कू, चीकू, ये किसी की चित्र है बच्चों, फूल, फ में दुर्गू कार, फू ल, फूल, ये किसी की चित्र है बच्चों, आलू, अ में आकार आ, ल में दुर्गुकार लू, आलू, ये किसी की चित्र है बच्चों, भालू, भ में आकार भा, ल में दुर्गुकार लू, भालू, ये किसी की चित्र है बच्चों, सूरज, स में दुर्गुकार सू र ज, सूरज। क्वेश्चन नंबर टू देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर टू है, चित्र अनुसार शब्द सीढ़ी पूरा कीजिए। बच्चों ये चित्र दिए हुए हैं और चित्र के पहला अक्षर आपको लिखा हुआ है, हम लोग को इसे पूरा करना है, ओके स्टूडेंट्स। ये किसी की चित्र है बच्चों, जूता, ज में दुर्गुकार जू, त में आकार ता, जूता, ये किसी की चित्र है बच्चों, झूला, ज में दुर्गुकार झू, ल में आकार ला, झूला, ये किसी की चित्र है बच्चों, सूरज, स में दुर्गुकार सू र ज, सूरज, ये किसी की चित्र है बच्चों, ग्लास में क्या है, दूध, द में दुर्गुकार दू ध, दूध, ये किसी की चित्र है बच्चों, आलू, अ में आकार आ, ल में दुर्गुकार लू, आलू। इसे आप लोग अपने बुक में नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। पेज नंबर 47 निकालिए। ये आज आपका होमवर्क हो गया, एच डब्ल्यू, इसे आप अपने घर पे याद कीजिएगा, ओके स्टूडेंट्स। मैं एक बार पढ़ के इसे आपको समझा देती हूँ। ये पोयम है, ओके स्टूडेंट्स, मतलब कविता। सूरज, पूरब का सूरज चमक उठा। पूरब से बच्चों सूरज निकलती है, तो पूरब से जब सूरज निकलती है तो वो क्या होती है, चमकती है, मतलब वही कह रहा है इसमें, पूरब का सूरज चमक उठा। दूर हुई अब कालस, कालस का मतलब होता है बच्चों अंधकार, मतलब अंधेरा, रात से फिर सुबह होती है ना, वही अंधकार मिट गया, मतलब रात खत्म हो गई और सुबह हो गई, ओके स्टूडेंट्स। चिड़िया चहकी, तो बच्चों आप लोग जब सुबह उठते होंगे तो देखते होंगे चिड़िया अपने घोंसले से निकलती है चहकती हुई। बगिया महकी, बच्चों जब सुबह होती है तो फूल खिलते हैं, देखिए यहाँ फूल खिले हुए हैं ना, आपके भी गार्डन में मतलब बगिया में फूल खिलते होंगे, फूल महकते होंगे, वही कह रहा है यहाँ पे। बगिया महकी, अब भूल तू भी अपना आलस, कह रहा है जब सुबह हो गई है तो आलस को छोड़िए और सुबह हो गई तो उठ जाइए, ओके स्टूडेंट्स। इस पोयम को आप याद कर लीजिएगा, मतलब कविता को, ओके स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
Thank you for watching this video. Stay home, stay safe.